नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। गृह मंत्री अमित शाह देर रात पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। अमित शाह का स्वागत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बता दें कि आज अमित शाह गुवाहाटी में कई सरकारी कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। साथ ही गृह मंत्री असम के 8,000 नामघर वैष्णव संतों के बीच वित्तीय सहायता का वितरण भी करेंगे। गृह मंत्री भले ही देर रात गुवाहाटी पहुंचे हों, लेकिन उस वक्त भी उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने लोक कलाकारों का इंतजाम किया था। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कलाकारों और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे। बता दें कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, जहां वो सरकारी कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। दो दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए तमाम लोग मौजूद थे। वहीं दो दिन के गुवाहाटी दौरे पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दुनिया के कई देशों में मुहिम चल रही है, जिसके चलते भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से जुड़े अपने मिशनों को कृषि कानून और आंदोलन के संदर्भ में सही तस्वीर पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि आंदोलन के संदर्भ में कनाडा के पीएम ने कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बावजूद जवाब में भारत ने उन्हें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ सांसदों ने भी आंदोलन के समर्थन में मुहिम चला रखी है। वहीं दो दिन पूर्व अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने इन देशों में अपने मिशनों को कूटनीतिक पहल करने का निर्देश दिया है। दुनिया के कई देशों में विदेश मंत्रालय ने सही तस्वीर दिखाने का निर्देश दिया है। किसान आंदोलन को लेकर मुहिम जारी है। दुनिया के कई देशों में चल रही है ये मुहिम। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कृषि कानूनों को लेकर दुनिया भर में विदेश मंत्रालय ने भी इसे सही तस्वीर के तौर पर दिखाने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने दिया सही तस्वीर दिखाने का निर्देश। किसान आंदोलन को लेकर कई देशों में मुहिम की जा रही है, जारी है। दुनिया के कई देशों में चल रही है मुहिम। कश्मीर घाटी में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 12 दिसंबर को बर्फबारी के बाद से पूरे कश्मीर में तेज हवा चल रही है। वहीं कई जगहों पर रात में तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे बना हुआ है। कश्मीर घाटी में तापमान में आई भारी गिरावट। जी हां, 12 दिसंबर के बाद से कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वहां पर जो तापमान है वो माइनस से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में तापमान बढ़ने के चलते वहां का आम जनजीवन इससे काफी ज्यादा परेशान है। कश्मीर घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। 12 दिसंबर के बाद से लगातार कश्मीर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में बड़ा ठंड का प्रकोप। जी हां, कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अमरोहा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के बाद सपा नेताओं ने किसानों के साथ गांव में जाकर चौपाल लगाई और किसानों से कृषि बिल को लेकर बात की। समाजवादी पार्टी के नेता अब किसानों के मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक मोर्चा खोले हुए हैं। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान घेरा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी ने गांव में घेरा बनाकर चौपाल में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। सपा नेताओं ने लगातार किसानों के हित में बात करते हुए बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं और अलग अलग जिलों में लगातार
भाजपा सरकार के खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। सपा नेताओं ने किसानों से बात की, वहीं जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी ने गांव में घेरा बनाकर चौपाल में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। सड़क से लेकर संसद तक लगातार सपा नेता भाजपा सरकार को घेरने की पूरी कवायद कर रहे हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ सपा नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है और किसानों की हित की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा पर निशाना साधते हुए आकिब चौधरी ने गांव में घेरा बनाकर चौपाल में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। किसान बिल के खिलाफ लगातार देश में प्रदर्शन जारी है। किसान अब तक इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ इस बिल के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियां भी इसके विरोध में सामने आई हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चौपाल लगाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में घेरा बनाकर अलाव के साथ चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही किसानों के संघर्ष में सहयोगी होने की भरोसा भी दिलाया गया। जी हां, कानपुर में सपा ने किसान बिल का विरोध दर्ज किया, साथ ही चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी की, साथ ही किसानों के संघर्ष में सहयोगी होने का भरोसा भी दिलाया। कानपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं को सुना। कृषि बिल को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, साथ ही किसानों के साथ अपना विरोध वहीं इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रिजवान। रिजवान, क्या कुछ अपडेट है? सपा कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाकर किस तरह से किसानों से क्या कुछ बातें हुई हैं उनकी और किस तरह का वो समर्थन किसानों को दे रहे हैं? केसी जी, मैं आपको बताते चलूं, कानपुर में जी सपा ने एक बड़ा किसान विरोध प्रदर्शन बिल चौपाल लगा के किसान विरोध किया है, जिसपे इन्होंने उनपे हर पल उनका साथ देने का वादा किया है और किसी भी हद तक वो अब जो किसानों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनको रोज प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जिस हाल में भी प्रदर्शन करना पड़े, वो सपा सरकार रोज किसानों को बिल्कुल ही प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए। साथ ही किसानों को लेकर क्या कुछ वहाँ की मांगे हैं, कुछ इसकी कुछ अपडेट आपके पास है? तीनों किसानों को जो बिल है, वो जो बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट ना करने का काम करना है। सपा, क्या इसके आगे भी कोई प्रदर्शन सपा का कानपुर में होने वाला है? जी, सपा का परमा एक अल्टरनेट एक दिन छोड़ एक दिन प्रदर्शन जारी है, जैसे कि कल भी एक प्रदर्शन होगा, इसमें किसान विरोध को लेकर कल भी एक प्रदर्शन जारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करने का काम कर रही है। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर चौपाल लगा करके, अलाव जला करके, लोगों को इकट्ठा करके इन तीनों जो कानून किसानों के हित में बताए जा रहे हैं उनके दुष्परिणामों के बारे में आगाह करने का प्रयास किया है। हम लोग लगातार किसानों के आंदोलन को बल दे रहे हैं और किसान भाई जो दिल्ली की सीमा पे डटे रह करके इस देश विरोधी कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करी है और हम सब लोग पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये आपने सुना, अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक ने किस तरह से किसानों के साथ खड़े हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितैषी हैं और हम किसानों की समस्याओं को सुनेंगे भी और उसका समाधान भी निकालेंगे। तो ये थे, अभी आपने आवाज सुनी अमिताभ वाजपेयी की। वहीं हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़े थे जिन्होंने हमें बताया कि हर एक दिन छोड़कर सपा लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ चौपाल लगा रही है और उनके समर्थन की बातें की जा रही हैं। सपा के किसान बिल का विरोध करते हुए कानपुर में किसानों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही उन्हें सपा का समर्थन भी दिया। चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं को सुना गया, साथ ही चौपाल लगाकर किसानों के साथ अपना समर्थन भी दर्ज किया सपा ने।
लखीमपुर खीरी में जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान रैन बसेरे में ठंड से बचाव के साथ साथ सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बता दें कि इस रैन बसेरे में जाते ही राहगीरों को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद सोने के लिए साफ सुथरे बिस्तर दिए जाते हैं। बता दें कि इस रैन बसेरे में रूम हीटर की सुविधा भी दी गई है। वहीं रैन बसेरे में लोगों के सामान और उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि रैन बसेरे में रुकने वाले लोग निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सके। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम रैन बसेरे की सुविधाओं को देखकर बेहद ही संतुष्ट दिखाई दिए। डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। देखिए, ठंड को देखते हुए हमारे जनपद में इस समय 19 शेल्टर होम चल रहे हैं। 8000 जो निराश्रित लोग हैं उनको कंबल वितरण किया जा चुका है और 180 स्थानों पर लगभग हम लोगों का इस समय अलाव जल रहा है। निश्चित रूप से इस समय ठंड का प्रकोप अपने पीक पर है और काफ़ी ठंड पड़ रही है। इसको देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसको भी अलर्ट पोजीशन पर रखा गया है कि अगर कोई ठंड का शिकार होता है तो उसको तत्काल ट्रीटमेंट भी मिल सके। जो हमारे शेल्टर होम चल रहे हैं वहाँ कोविड के जो मानक हैं उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइजर और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और तख्त और चारपाई की व्यवस्था की गई है जैसे जो लोग भी यहाँ रुके उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। सर, अलाव की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अलाव पूरे ज़िले में 180 स्थानों पर अभी आज की डेट में चल रहे हैं। आवश्यकता अनुसार इस पॉइंट्स को और बढ़ाए जाएंगे। हम झंडी राज्य से आए हैं और यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। हीटर भी जल रहा है, कोई परेशानी किसी किस्म की लोगों को नहीं है हो रही है। किस तरीके का रैन बसेरा बना है? बहुत अच्छा रैन बसेरा बना हुआ है। कैसा लग रहा है आपको इस रैन बसेरे में? कैसा लग रहा है रैन बसेरे में? अच्छा लग रहा है रैन बसेरा। किस तरीके से सुविधाएं दी गई, कैसी सुविधाएं दी गई हैं? सुविधाएं अच्छी हैं। हीटर है, हवा की रोक है, ओढ़ने के लिए है, बिछाने के लिए है, कोई असुविधा नहीं। मैं इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर इस पूरी खबर की जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता आजाद। आजाद, किस तरह की जानकारी मिल रही है रैन बसेरे का जो सुविधाएं है उससे राहगीरों का क्या कुछ मानना है और किस तरह ने डीएम ने जो निरीक्षण किया है उससे वो किस तरह से खुश नजर आए? जी हाँ, मैं आपको बता दूँ इसमें लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने आज रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने देखा यहाँ पर लग्जरी होटल से कम नहीं रैन बसेरा नजर आ रहा है। यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और हीटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई फैसिलिटी दी गई है जो राहगीरों को महत्वपूर्ण लग रही है। डीएम के निरीक्षण के बाद क्या वो रैन बसेरों को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं? अलाव की क्या सुविधा और देने वाले हैं वो? जी हाँ, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे फैसिलिटी चेंज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महोबा में बुंदेली समाज के सदस्यों ने कृषि सुधार बिल के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कृषि सुधार बिल को सरकार द्वारा लिया गया जायज कदम बताया है। साथ ही कहा कि विपक्ष किसानों को आगे कर मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, कृषि कानून बिल का समर्थन करते नजर आए महोबा में बुंदेली समाज के लोग। महोबा में बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कृषि बिल को सुधार बिल को सरकार द्वारा लिया गया जायज कदम बताया है। साथ ही कहा है कि विपक्ष किसानों को आगे कर मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। कानपुर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिवली कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने सर्राफा और मेडिकल स्टोर में धावा बोल दिया। हजारों रुपए की दवा सहित चांदी का सामान और पीतल के बर्तन चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कानपुर देहात की एक खबर है जहाँ चोरों के आतंक से ग्राम क्षेत्रीय वासी काफी ज्यादा परेशान है।
शिवली कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने सर्राफा की दुकान पर और एक मेडिकल स्टोर में धावा बोल दिया, जिससे वो हजारों रुपए की दवा सहित चांदी का सामान और पीतल के बर्तन चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। फरुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को अंजाम देकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फरुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।